जिस समय विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे उस समय उनकी सरकार को गिराने की कई बार कोशिश हुई, जिस समय एनडी तिवाड़ी मुख्यमंत्री थे उस समय भी उनकी सरकार को टॉपल करने की कई बार कोशिश की गई, सोनिया गांधी के पास कई बार हरीश रावत गए विजय बहुगुणा के समय पे भी और तिवाड़ी साहब के समय पे भी। वो कुछ ऐसे किस्से हैं कि कई बार विधायकों को लेकर गए, कई बार मंत्रियों को लेकर गए, वो भी अगर आप कुछ डिस्क्लोज करना चाहें हमारे चैनल पर। नहीं देखिए, जब तिवाड़ी जी मुख्यमंत्री थे तो समय एक बार परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि उसमें तो मैं भी हरीश क्यों मैं नाराज था जैनी प्रकरण को लेकर तिवाड़ी से, हालांकि उन्होंने नहीं किया था मेरे खिलाफ षड्यंत्र। मैंने उनसे तिवाड़ी से कहा कि आपने नहीं षड्यंत्र किया मेरे खिलाफ, लेकिन आप धृतराष्ट्र बने रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि लगभग 11 एमएलए उसमें दल बदल कानून, दो तिहाई दल बदल कानून नहीं था, सारे मंत्री 3-4 मंत्रियों की छुट्टी हो गई थी। नहीं 10 नहीं, वो तो बहुत बात की बात है, एक बार परिस्थिति ऐसी बनी कि 10-11 विधायक मेरे साथ। हाँ, 2/3 मेजोरिटी वाला गया। 2/3 वाला मेजोरिटी वाला नहीं था, 1/3 वाला था उसमें तक, अटल बिहारी वाजपेयी ने चेंज किया था। हाँ, लेकिन जब मैंने 10 विधायक मेरे साथ इकट्ठा हो गए थे जिसमें गोदियाल से लेकर सब लोग थे, मैखुरी को भी आना था, मैखुरी नहीं आ पाया बेचारा, देहरादून पहुंच गया लेकिन हमारी मीटिंग में नहीं सम्मिलित हुआ। तो विजय बहुना मेरे पास आए रात को 11 बजे, तिवाड़ी जी के यहाँ ले गए मुझको, फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ तिवाड़ी जी मेरा, और तब जिसमें गणेश गोदयाल को, गढ़वाल विकास निगम, सब उन लोगों को जो मेरे साथ थे सबको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था रात को, आपको ध्यान होगा। अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी फिर उसकी। हाँ, बाद में जब तिवाड़ी जी के खिलाफ विजय बहुना, मैं और हरीश रावत, हम सब लोग एक हो गए और हमने प्रीतम सिंह के घर ऑफिस में कई दौर की मीटिंगें हुई दिल्ली में, हरीश रावत, विजय बहुना, मैं, हम तीनों हर कई बार बैठकों में बैठते थे। फिर हमने लास्ट बैठक जो है प्रीतम सिंह जी के ऑफिस में की थी और 32 एमएलए थे हम लोग, 36 में से 32। हाँ, 36 ही थे ना उस समय कांग्रेस के। हाँ, हाँ। नहीं, क्योंकि निर्दलीय वगैरह मिला के सब 40 हो गए थे। हाँ, बिल्कुल। तो लगभग 32 एमएलए हम, हाँ, प्रीतम सिंह जी के ऑफिस बैठे थे तिवाड़ी जी को हटाने को लेकर, बदलने को लेकर। उस समय हरीश रावत जी ने खेल खेला कि अहमद पटेल जी मीटिंग में आए और अहमद पटेल जी के दूत बन के, और उस समय फिर हम लोगों को जो है समझा दिया। तो उस समय भी हरीश रावत जी ने कई बार कोशिश करी। जब विजय बहुना जी मुख्यमंत्री बने, शुरू में तो देखो मैंने, क्यों मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार था, हरीश रावत भी थे, जब विजय बहुना बन गए तो मुझे दुख हुआ। सुबह विजय बहुना जी दिल्ली मेरे घर पे आए लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला, वो 2-3 घंटे मेरे दरवाजे पे रहे, मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं क्यों, मैं नाराजी थी विजय बहुना से नहीं थी, लेकिन अपना मुख्यमंत्री नहीं बनने के कारण मैं दुखी तो था ही था। तो मैं फिर कहते ना हरे हरे जो है दोस्त हो जाते हैं, तो मैं और हरीश रावत उसमें एक हो गए। मैंने इसलिए मंत्री पद की शपथ नहीं ली और विजय बहुना मंत्रिमंडल में जो है मैंने अकेला मैं लेख पद खाली रखा गया। आपको ध्यान होगा कि 3 महीने बाद कार्यकर्ताओं कहने से, सोनिया गांधी से कहने से, फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह कहने से मैंने जो है फिर मंत्रिमंडल की शपथ ली, अकेले शपथ ली थी राजभवन में। लेकिन मैंने जब शपथ ले ली तो फिर विजय बहुना से मेरे, क्योंकि मैं विजय बहुना के साथ ही 98 में कांग्रेस में आया था, हम 10,000 और उसमें जो है 28 ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका के चेयरमैन, पूरी बहुजन समाज पार्टी हमने दिल्ली में कांग्रेस में सम्मिलित कराई थी। उसमें मैं उत्तराखंड बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष था, उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था और हमने पूरा विलय करवाया था कांग्रेस में, और 10,000 से अधिक लोग उस दिन दिल्ली गए थे मेरे नेतृत्व में। तो मैं विजय बहुना जी के साथ सम्मिलित हुआ, तो मेरे व्यक्तिगत भाई मैं इस बात कहूँ कि किसी ने मेरे पर एहसान किया है कि किसी ने मेरी मदद की है बुरे समय में, मेरे संघर्ष के दौर में, अच्छे दौर में मेरा कोई साथ दे ना दे, लेकिन बुरे दौर में जिसने मेरा साथ दिया मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ। तो इसलिए मैं फिर विजय बहुना के साथ हो गया। और फिर जब विजय बहुना वो हटने की नौबत आई केदारनाथ घटना के कारण, और हरीश रावत जी ने एक दिन मुझे लंच पे बुलाया, और लंच करने के बाद केवल हरीश रावत जी में थे, लंच करने के बाद हरीश रावत जी ने कहा रख सिंह जी या तो तुम मुख्यमंत्री हो जाओ तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, और मैं मुख्यमंत्री हो जाता हूँ तो मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा कद बढ़ाऊँ। मैंने भाई साहब क्यों बेवकूफ़ बना रहा हूँ,
आपका फाइनल हो गया, जब मुझे पता आपका फाइनल होगा मुख्यमंत्री से, तो आपको कैसे नहीं पता होगा? कह रहे जब मेरा फाइनल हो गया तो फिर तुम फिर भी मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने देखो, दुनिया उगते हुए सूरज को नमस्कार करती है और हरक सिंह डूबते हुए सूरज नमस्कार करता है। आज विजय बंगड़ा चीफ मिनिस्टर होते हैं तो हो सकता है मैं विजय बंगड़ा के साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन आज विजय बंगड़ा, और आप विश्वास करोगे नहीं उभर करोगे, जब विजय बंगड़ा के हटने की चर्चाएं थी ना, अकेला बंदा हरक सिंह रावत है, उनके बहुत सारे साथी जो आज विजय बंगड़ा और हेमंत नरेन बंगड़ा के नाम की रोटी खाते होंगे राजनीति में, जो हेमंत नरेन बंगड़ा और विजय बंगड़ा के नाम की रोटी खाते होंगे राजनीति में, उन लोगों ने विजय बंगड़ा के समर्थन में पढ़ने के बाद भी दस्तखत नहीं किए, और एक अकेला हरक सिंह रावत था। मैंने कहा भाई साहब आप बिना पढ़े हुए, मैंने कहा मैं पहले दस्तखत करूंगा बाद में पढ़ूंगा आपने क्या लिखा है, क्योंकि मैं अंधा होकर भरोसा करता हूँ, किसी पर भरोसा करता हूँ तो ब्लाइंड भरोसा करता हूँ। कह यार पढ़ लो, मैंने कहा नहीं पहले मैं दस्तखत करूंगा तब पढ़ूंगा। तो मैं हमने साथ दिया विजय बंगड़ा का, उन्होंने भी साथ दिया हमारा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड में जो राजनीति है, मुख्यमंत्री का मेरा दुर्भाग्य कहूँ, या कई बार क्या होता है कि जीवन में सब कुछ नहीं मिलता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरे दिमाग में अभी अभी ताज़ा ताज़ा ये जन्मा है, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के शायद आप ही ने काम किया होगा, चाहे वो एनडी तिवारी हैं, विजय बहुगुणा, नहीं यूपी से लेकर, यूपी से लेकर, चलिए मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ। नहीं यूपी भी कल्याण सिंह के साथ, भाई देखिए सुनो, नहीं अगर मैं उत्तराखंड का कंपैरिजन करूँ, तीन मुख्यमंत्री तो बीजेपी के 2007 से लेकर 2017 से 2022 तक, धामी साहब हो गए, तीरथ जी हो गए, त्रिवेंद्र जी हो गए, विजय बहुगुणा हो गए, हरीश रावत हो गए, तिवारी हो गए, छह मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया है। सबसे मजेदार कौन सा शासनकाल आपका रहा है और सबसे ज्यादा परेशान किसमें रहे? परेशान तो हम समझ सकते हैं, हरीश रावत वाले शासनकाल में आपने छोड़ दिया तो सबसे ज्यादा परेशान उसमें रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, विकास के काम में सबसे अधिक, भले ही जेनी प्रकरण का मुझे मंत्री पद से इस्तीफा देना हो पड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी पद बने रहते हुए सबसे ज्यादा काम मैंने तिवारी जी के टाइम पे किए, विजय बंगड़ा के टाइम पर भी बहुत काम किया मैंने, ऑर्गेनिक बोर्ड से लेकर, कृषि क्षेत्र से लेकर, ये जो आज दून मेडिकल कॉलेज बनाया है, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, नर्सिंग काउंसिल, विकास की बात नहीं कर रहा मैं, एक हाँ तो देखो सबसे ज्यादा मजा किसमें आया काम करने में? देखो मजा मुझे काम से आता है, मैं काम इसलिए गिना रहा हूँ कि काम मतलब कोई भगवान ने मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाया, मुझे तो जिस दिन मैं एमए कर, मैं गरीब घर का था, लेकिन जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया तो एक अच्छी खासी तनख्वाह मुझे मिलती थी, मेरे पिताजी को पेंशन मिलती थी, मेरे ठेकेदारी भी करते थे पिताजी, हमारी दुकान भी थी, भाई भी नौकरी करता था, मिसेज भी नौकरी करती है, तो हमें तो पैसे की मतलब गरीब घर के बाद भी हमने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था मेहनत करके, किसी का एहसान नहीं है, मेहनत करके, दिमाग से और मेहनत से हमने अपने आप को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दिया था कि आज भी मैं करूं मुझे हमें पैसे, आज हम जो काम कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आज भी उतने लोगों को जो है आज भी हमारे घर में 30 लाख से अधिक पर मंथ जो है सैलरी आती है, सरकारी पैसा आता है, मेरे मिसे इंटर कॉलेज प्रिंसिपल है, बेटा बहू को भी जो है 12-13 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, बेटी 15 लाख अमेरिका में तनख्वाह लेती है, मुझे 2 लाख रुपए पेंशन मिलती है, छोटा भाई मेरा यूनिवर्सिटी नौकरी करता है, बहू इंटर कॉलेज लेक्चरर है, पिताजी को पेंशन मिलती है, छोटा सा होटल है, मतलब हमने इतनी मेहनत करी अपने जीवन में, ये नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर लगे तो मैंने काम छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहा और साइड बाई साइड मैंने जो है पिताजी के नाम पर ठेकेदारी भी करता रहा, काम भी किया, राजनीति भी करी, ठेकेदारी भी करी, नौकरी भी करी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे को तो चाहिए काम, कि हम कितने लोगों को जीवन पाल सके, कितने लोग देखिए अपने लिए तो सब जीते हैं ना, आज हम मेहनत कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, वहां से कर रहे हैं, किसके लिए? क्या आज हमने 500-600 लोगों को रोजगार दिया है व्यक्तिगत रूप से, कल 1000 लोगों को देंगे, कल 10,000 लोगों को रोजगार देंगे, उनके उनका परिवार अगर आज हमारी मेहनत से हमारे दिमाग से अगर पलेगा, वो व्यक्तिगत क्षमताओं की बात करो, मैं राजनीतिक सरकार की ओर से नहीं कर रहा हूं,
तो मेरे मैं अनकंफर्टेबल तब फील करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील किया मैंने अपने जीवन में वो त्रिवेंद्र रावत के समय में किया। जब काम नहीं कर पाया कोई, मैं मतलब मुझे लगा कि भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि क्यों लोग हम मंत्री इसलिए थोड़ी बने कि गाड़ी घोड़ा सुख सुविधाओं के लिए। अब इन सब चीजों से हम ऊपर उठ गए। और मजा किसमें बताया आपने, एनडी तिवारी शासन काल में, विजय बहुगुणा, विजय बहुगुणा के समय में बहुत काम किया। हरी देखो हरीश रावत जी ने भी सब काम किया हमारा। मैं जो ले जाता था हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव लिया, हरीश रावत जी आंख बंद करके दस्तखत कर देते थे। देखिए लेकिन मैं आज आप बता रहा हूं, यह दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। मैं लोग कई बार कहते हैं तुम हरीश रावत ने संगीत तारीफ, मैंने तारीफ नहीं करी उनकी। देखो तिवारी जी को उम्र का पड़ाव था, उनको बड़ी उम्र में मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का। वो दिल्ली से पैसा लाया लेकिन स्वास्थ्य और उम्र के कारण वो धरातल पर नहीं उसको यूज कर पाया। खंडूड़ी जी जो है क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड के थे, धरातल को नहीं समझते थे। और एक केस के बाद जब आदमी एक माइंड सेट होता आदमी का, वो अच्छा ऑफिस चला सकता है, अच्छा डिसिप्लिन ला सकता है, लेकिन वो राजनीति क्या ये नीचे लेवल पर बहुत सारी चीज नहीं कर सकता। निसंग एक ऐसे उम्र में कम उम्र में आया था कि नीचे से ऊपर आया था। विजय बहुगुणा भी क्योंकि बड़े बाप का बेटा था, वो भी उत्तराखंड को उतना नहीं समझता था, ब्राउन माइंडेड था लेकिन नीचे धरातल को नहीं समझता था। लेकिन हरीश रावत भी जमीन से निकला हुआ व्यक्ति था और निसंग भी जमीन से निकला हुआ व्यक्ति था। और दुर्भाग्य ऐसा था, ये दोनों जो है जमीन से निकले हुए थे लेकिन दोनों फेल हो गए। ये निसंग जो है मुख्यमंत्री बनते ही हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टेज घोटाला सब में उलझ गया, और हरीश रावत जी जो है योजना में उलझ गए। मैंने एक दिन एक सेक्रेटरी को पूछा कि भाई तुमने इस योजना का जियो क्यों नहीं निकाला, कह रहे जियो तो तब निकाले साहब जब टाइम मिले। मैंने क्यों, कि जब तक एक जियो कैबिनेट में पास होता है और उसका जियो मिनट्स निकलते हैं, उसका जियो निकालने लगते हैं, तब तक अगले कैबिनेट में 4 स्कीमें और पास हो जाती हैं, फिर उसके मिनट्स निकालते हैं और उसका जब तक जियो निकालना होता तब तक 10 स्कीमें और पास करते हैं, कभी घसियारी योजना, कभी ढोलदमाव योजना, कभी ये योजना, कभी योजना। अब हरीश रावत जी यही नहीं पता चलता कि मैंने ये 1000 योजना निकाल दी और उसका जियो निकले कि नहीं निकले, और अगर जियो निकले तो इंप्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। तो ज्यादा हरीश भाई ने, मैंने हरीश भाई को कई बार कहा, इंदिरा देश बेचारे आज दुनिया में नहीं है, इंदिरा देश, और हम कई बार हरीश भाई को कहते थे कि भैया हरीश भाई कितने जल्द कितने देर में लपेट लोगे मामले को।